1960s के इंडिया में एक इंसान ने 41 मर्डर्स किए। वो सुनसान रातों को रास्ते पे हथौड़ा लेके निकलता था एंड इंसानों को बेरहमी से मार देता था। 1990 में दो औरतें थीं जिन्होंने 43 बच्चों को किडनैप किया एंड पैसे मिलने के बाद उनका मर्डर कर दिया। वैसे देखा जाए तो इंडिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे सीरियल किलर्स प्रेजेंट थे। वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेट्स फाइंड आउट। मुंबई की एक बहुत ही बड़ी मर्डर मिस्ट्री है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाई, और ये बात है 2006 की। सुबह सुबह एक इंसान को मरीन लाइन स्टेशन पे एक व्यक्ति की लाश मिली एंड वो इंसान थे विजय गॉड, एक टैक्सी ड्राइवर जिनकी लाश पता नहीं वहाँ पे क्यों पड़ी थी। इस पूरे वारदात को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई एंड फिर लोग इसके बारे में भूल गए। पर वो कहते हैं ना कि किसी एक इंसिडेंट के होने के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं। बाद में ये पता चला कि एक सीरियल किलिंग ऑपरेशन था एंड इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। देखते ही देखते एक ही महीने के अंदर बहुत सारी लाशें पाई गई एंड ये सारी लाशें पाई गई मरीन लाइंस एंड चर्च गेट के बीच। इन सारे केसेस में बस एक चीज़ कॉमन था कि डेड बॉडी के बगल में एक बियर की बॉटल पाई जाती थी। मीडिया में इस क्रिमिनल को बियर मैन के नाम से बुलाया जाने लगा एंड ऐसा कहा जाने लगा कि ये उसका ट्रेडमार्क है। फिर ठीक एक साल के बाद बियर मैन को पकड़ा गया। रविंद्र कंत्रोड़े, जिनका फेक नेम अब्दुल रहीम था, उनको बियर मैन के सारे केसेस के लिए चार्ज किया गया। फिर धीरे धीरे सारी कहानी रिवील होती गई और फिर मुंबई ने एक चैन की सांस ली। बियर मैन अब सलाखों के पीछे था। पर जब कोर्ट में ट्रायल्स शुरू हुए एंड हर मर्डर के एविडेंसेस दिए जाने लगे तो कई सालों के बाद एक ऐसा मुकदमा आया जिसने लोगों को अचंभित करके रख दिया। कंत्रोड़े को इनोसेंट प्रूव कर दिया गया, जबकि पुलिस ने कंत्रोड़े के खिलाफ एटलीस्ट 3 मर्डर्स के ठोस सबूत दिए थे, बट स्टिल कोर्ट के अकॉर्डिंग उनको ओवररूल कर दिया गया एंड कंत्रोड़े को रिहा कर दिया गया। पर सरप्राइजिंगली इन सारे इंसिडेंट्स के बाद, कोर्ट के ट्रायल्स के बाद, बियर मैन की जो सीरियल किलिंग्स थी वो रुक गई। पर बियर मैन एक्चुअली में कहाँ है, कौन है और किस हालात में हमें आज तक नहीं पता। क्या वो हमारे बीच अभी भी हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा या फिर बियर मैन खुद। गाइज, लॉकडाउन क्या होता है ये आज के डेट में कोविड के कारण हम सबको पता है, बट डू यू नो कि 1960s में भी लॉकडाउन एंड कर्फ्यू लगता था एंड ये लोग खुद की मर्जी से लगवाते थे एंड इसके पीछे बस एक नाम था, रमन राघव, सीरियल किलर रमन राघव। इसने 41 यानी कि 41 ब्रूटल मर्डर्स किए थे। इसके टारगेट जनरली मुंबई के स्लम्स होते थे एंड ये ऐसे लोगों को मारता था जो कि बेघर होते थे, ऐसे लोग जिनके मरने से किसी की लाइफ में ज्यादा कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े। इस केस को सॉल्व करने में मुंबई पुलिस को करीब 10 साल लग गए। उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसती थी जिसमें कि मर्डर करना बहुत ही जायज था। उसको ऐसा लगता था कि मुंबई के गवर्नमेंट ने उसे इसलिए रखा है ताकि वो लोगों के मर्डर्स कर सके। रमन के ऊपर एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है रमन राघव 2.0। रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सीरियल किलर्स आर वेरी स्मार्ट, उनकी IQ बहुत ज़्यादा होती है और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उसको देख के आप कभी पता लगा ही नहीं सकते कि वो कोई मर्डरर है। और इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है चार्ल्स सोबराज, जो कि द बिकिनी किलर के नाम से फेमस है, और इनके ऊपर भी रणदीप हुड्डा स्टारर एक बॉलीवुड मूवी बनाई गई है, मैं और चार्ल्स। चार्ल्स का जन्म वियतनाम में हुआ था एंड वो हिप्पीज, इंडिया में आए हुए ट्रैवलर्स, टूरिस्ट का मर्डर करते थे। ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही हैंडसम एंड चार्मिंग थे, जिसके कारण जो ये 12 से 24 साल के लड़के एंड लड़कियां होती थी वो उनसे अट्रैक्ट हो जाती थी एंड बाद में वो उनको ड्रग्स देकर मार देते थे। और ऐसा ही करके 1970s में उन्होंने 12 मर्डर्स किया था। ऐसा कहते हैं कि चार्ल्स की लाइफस्टाइल बहुत ही पॉश थी एंड ये जो उनकी मर्डरस पर्सनैलिटी थी ये उनकी लाइफस्टाइल का ही एक बाई प्रोडक्ट था। और क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो जो भी फीमेल विक्टिम्स को मारते थे वो बिकिनी अटायर पहनती थी, इसलिए उन्हें द बिकिनी किलर नाम से भी जाना जाता था। साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि सीरियल किलर्स ह्यूमंस को एज ह्यूमंस ट्रीट ही नहीं करते, उनके लिए ह्यूमंस एक ऑब्जेक्ट होते हैं एंड उनको मार के उनके मन की लड़ाई शांत हो जाती है, उनको सुकून मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने विक्टिम से कभी इमोशनली एम्पेथाइज करते ही नहीं है। और ऐसी ही एक कहानी है रेणुका शिंदे और उनकी सिस्टर सीमा गवित की, जिनको द किलर सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन दो बहनों ने मिलकर 9 बच्चों का मर्डर किया, 9 ऐसे बच्चे जिनका कोई दोष ही नहीं था। और ये तो बस वो ऐसे केसेस है जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इन दोनों बहनों को ये भी याद नहीं था कि अरेस्ट से पहले उन्होंने एक्चुअली में कितने बच्चों को किडनैप किया था। 2006 में इन दोनों बहनों को डेथ पेनल्टी की सज़ा दी गई, पर हैरानी की बात यह है कि वो आज भी जिंदा है और जेल में सही सलामत प्रेजेंट है। गाइज, हैरानी की बात यह है ना कि एक सीरियल किलर ने एक्चुअल में कितने मर्डर्स किए हैं इसका कई केसेस में पता ही नहीं होता। पुलिस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी किलर्स हैं जिन्होंने करीब 300 से ज़्यादा भी मर्डर्स किए हैं, पर इसका सबूत उनको कभी मिलता ही नहीं है। राहुल रमाकांत यादव, इस नाम का एक इंसान था जो कि एक रियल बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होकर एक गैंगस्टर बन गया। सत्या मूवी रिलीज हुई थी 1998 में एंड ये वही मूवी है जिसने मनोज बाजपेयी को बॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक दिया था। पर इस मूवी के दौरान ना तो मनोज बाजपेयी को एंड ना ही उसके डायरेक्टर को पता होगा
कि इस मूवी से इंस्पायर होकर कोई इंसान सच में भीखू मात्रे बनने निकल पड़ेगा। 1998 में जब ये मूवी रिलीज हुई तो राहुल ने इस मूवी को एक बार देखा और आने वाले एक साल में उसने उस मूवी को 20 बार देख लिया। वो उस मूवी के कैरेक्टर भीखू मात्रे को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करता था एंड उसके कैरेक्टर को ब्रेक डाउन करता था। विद टाइम उसके दोस्तों के ये कंप्लेन आने लगे कि पहले तो वो बस उनके बोलने चालने उनके टैगलाइन को कॉपी करता था, बट विथ टाइम उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो शायद सच में भीखू मात्रे से ही बात कर रहे हो। इनफैक्ट आगे जाके पूरा अंडरवर्ल्ड पूरी मुंबई पुलिस भी उसे भीखू के नाम से जानने लगी। इसके बाद राहुल ने दाऊद इब्राहिम की अपोजिट गैंग जयदेव रेड्डी की गैंग ज्वाइन की, जयदेव रेड्डी जिसको भाईजान के नाम से जानते थे। इस गैंग को ज्वाइन करने के बाद राहुल इतना ज्यादा अपने कैरेक्टर में डूब चुके थे कि वो बहुत ज्यादा वसूली एंड हिटमैन के काम में लग गए। देखते ही देखते राहुल को उनके सारे क्राइम्स के लिए सजा मिलनी शुरू हुई एंड इस चक्कर में उनका ड्रग्स एंड अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता चला गया। विथ टाइम वो एक स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट में चले गए, जो कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जब इंसान ये कन्फ्यूजन में रहता है कि रियल वर्ल्ड क्या है और एक इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड क्या है। उनके इमेजिनेशन में जो दुनिया वो देखते हैं उनको लगता है कि वो सच में एग्जिस्ट कर रही है। पर वो कहते हैं ना कि जिंदगी सबको एक बार सुधरने का मौका देती है एंड उस मौके को लेना है या नहीं लेना है वो आपके हाथ में होता है। राहुल के साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, सारी बुरी आदतें छोड़ दी एंड बाद में वो ठीक होके गैंगस्टर ऑन द रन के नाम से जानने लगे। द रीज़न इज़ कि वो भागने में बहुत अच्छे हो गए, उन्होंने बहुत सारे मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया एंड बहुत सारे मैराथन्स को जीता भी। वो आज भी अपने 14 साल पुराने क्राइम्स के नाम पे जाने जाते हैं, पर आज भी वो अपनी पूरी स्टोरी को एक नए सिरे से लिखने के तख्त पर हैं। तो गाइज ये थी कहानी इंडिया के 5 ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में जिनका नाम इंडिया के इतिहास में बहुत ही काले अक्षरों से लिखा गया है। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, दिस इज बिग ब्रेन को, मेक योर ब्रेन बिगर।